लैंडोर के बारे में जितना भी इतिहास है बहुत बेहतरीन है, मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। मम्मी मैं पहाड़ों में आ गया। इतने लड़के हैं लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ एक ही के पास है, तो विनीत को आया है एक आइडिया कैसे हम लोग पार होंगे। हम लोग पार होंगे कि वही लड़का चारों स्कूटी को एक एक करके आगे पहुँचाएगा फिर वापस आएगा। सो हे फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग वीडियो में। तो इस ब्लॉग वीडियो में मैं फिर निकल गया हूँ उत्तरांचल से बाहर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उत्तरांचल का मेन जो है बिल्डिंग है उसके पार मैं हूँ, बाउंड्री के बाहर। ठीक है, मैं बहुत दिनों से भाई साहब हॉस्टल में रह रहा था, आराम से कहीं मैं निकल नहीं रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं निकलूँ, फिर आ गया प्रतीक अपने भाई का बर्थडे। तो उसने भाई साहब ये बोला कि बर्थडे में जो है पार्टी के तौर पे वो हमें घुमाने ले चले गए लैंडोर। लैंडोर के बारे में जितना भी इतिहास है बहुत बेहतरीन है, मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा, या लैंडोर का एक दो जगह मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। बाकी जो है अगले अगले पार्ट में आता रहेगा, दो तीन एपिसोड का मेरा एक ब्लॉग रहेगा भाई साहब, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। 10-10 मिनट का ज़्यादा वीडियो ना रहे, छोटा छोटा वीडियो रहे, आप लोग देखिए, आप लोग इन्जॉय करें। तो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक। मिलते हैं तुरंत आप लोगों से एक बार हमारी स्कूटी आ जाती है। हमने 4 स्कूटी बुक किया है भाई साहब, 550 सबका लगा है। और एक राज की बात बताऊं, लाइसेंस किसी के पास भी नहीं है और फिर भी हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ जो है हमने पूरी स्कूटी ले ली है, हमारे पास हो गई है पूरी 5 स्कूटी। 4 जो है हमने बुक की है और एक जो है हमारे एक फ्रेंड के पास है। यहाँ जो है लड़ाई हो रहा है स्कूटी चलाने के लिए, माँ का साकी नाका, देखते हैं कौन ये स्कूटी चलाता है। यही सबसे बेहतरीन स्कूटी लग रहा है। छोड़ो चुती आप मत करो, वो हम ना लेके जाओ। चलो फाइनली गाड़ी मिल गया, अब लो तो फैमिली हम लोग जो है स्कूटी लड़के छीन के और आगे बढ़ चुके हैं। काफी आगे आने के बाद जो है मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो हम लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब, और इधर व्यू इतना तगड़ा देखने को मिल रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मेरे दोस्त प्रतीक जो कि पहले भी मसूरी जा चुका है, उसने मेरे को ये बताया कि इधर तो कुछ व्यू ही नहीं है, मतलब इतना सेक्सी होने के बावजूद ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आगे जब हम लोग मसूरी पहुंचेंगे ना, तो इससे बहुत ही बेहतरीन व्यू हमें देखने को मिलेगा। और इसी के लिए जो है मन धीरे धीरे उतावला होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग करीब जा रहे हैं। हर एक 5-6 किलोमीटर के रेंज में हमें जो है किलोमीटर का बोर्ड देखने को मिल रहा है, और जैसे उसमें किलोमीटर कम होते जा रहे हैं मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा होते जा रही है कि चलो भाई अब देखेंगे। तो बस चलिए आगे चलते हैं एकदम मस्त इन रास्तों का मजा लेते हुए, और मैं आपको सिनेमैटिक वीडियो जो है रास्तों का बना के डालता रहूँगा बीच बीच में। और भाई मैं तो खो गया हूँ भाई, पहाड़ों में खो गया हूँ ऐसा सीन मेरे को लग रहा है। लेकिन चलिए इंजॉय करते हैं और आपको भी करवा। हमारा मित्र कुणाल गाड़ी चला रहा है, तो आइए इससे पूछते हैं, और पूछने में ये ना हो कि ये हमें नीचे लेके चला जाए। तो इनसे यही उम्मीद है कि ये अपने गाड़ी पे ध्यान देंगे, बस बोलने पे भी ध्यान देना है। तो बताओ कुणाल भाई, राइड करके तुमको कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। समझो कि कहाँ तो दादोपुर वाले रोड में गाड़ी चलाते थे, कहाँ हम लोग मसौरी वाले रोड में चल रहे हैं। मज़ा आ रहा है बहुत। एक्सपीरियंस कुछ शेयर करो अभी तक का। तो बहुत गेड़ उड़ जाएंगे। हाँ अभी इसे पूछना ही बेकार है दोस्तों, कहीं हमको नीचे ना लेके चल जाए। लेकिन भाई साहब व्यू चेक करो, व्यू। और आगे हमारे और मित्रगण हैं, सबसे बारी बारी से पूछा जाएगा। लेकिन अभी इधर रास्ते बहुत पतले हैं, तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं मिला के। बाकी व्यू बहुत ही ज्यादा सेक्सी है दोस्तों। थोड़ा आगे आए नहीं दोस्तों कि हमारा जो है प्लान हिलने लगा है, क्योंकि आगे भाई साहब चालान कटने वाला है। ये देखिए ट्रिपल लोडिंग में जो हम लोग यहाँ डबल लोडिंग में जो है दिक्कत में है कि हमसे अगर पूछ लेगा कोई प्रूफ तो हमारा फंस जाएगा मोमेंट। लेकिन देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं। अब मन तो बना दिया है मसूरी जाने का, बीच में यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं,
और अभी हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ से मुड़ रहे थे तो पुलिस वालों ने हमें देख लिया है। उज्ज्वल बताओ, सबसे सीनियर तुम ही है, तुम ही कोई बात बताओ कि हम लोग क्या करें यहाँ। बताओ सिचुएशन, देखते हैं अभी क्या होता है। 5-10 मिनट रुकते हैं, फिर प्रभु का नाम लेके चला जाएगा। बाकी यहाँ से व्यू चेक करो आप लोग, सेक्सी एकदम भाई साहब। उधर पहाड़, हम लोग ऊपर जाते भाई बादलों के बीच में, बादलों से खेलते और फिर मस्त एकदम व्यू आता है। अभी यहीं से सेक्सी है, लेकिन ऊपर जाने का बात अलग था। इतने लड़के हैं लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ एक ही के पास है, तो विनीत को आया है एक आइडिया, कैसे हम लोग पार होंगे। हम लोग पार होंगे कि वही लड़का चारों स्कूटी को एक एक करके आगे पहुंचाएगा, फिर वापस आएगा, फिर पहुंचाएगा, फिर वापस आएगा। अगर धर लेगा तो यहीं से नीचे उतर जाए, ठीक है। और देखिए ना धरे फिर तो अपनी किस्मत बेहतरीन है भाई। बाकी जो है यहाँ से कैसे जाया जाएगा, आइडिया तो मिल गया, आप देखते हैं आइडिया रन करके। एंचो बोलेगा कि तू सबका बाप है क्या रे, उसको पकड़ लेगा। लेकिन दिक्कत यही है ना, मेन दिक्कत यह है कि लाइसेंस लेकर ही चलना चाहिए, हमारे पास तो है नहीं एंचो, तो ऊपर ऐसा थोड़ी कि नहीं जाएंगे। देखते हैं, हमारे दो मित्र गए हैं, अगर वो पकड़ा जाएंगे तो हम लोग यहीं से मुड़ जाएंगे, नहीं पकड़ाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे, और क्या ही कर सकते हैं। देखते हैं बाकी जो होगा, मैं आपको ब्लॉग में। तो ये रास्ते जो है ये बहुत ही संगीन रास्ते हैं, इसमें पत्थर गिरने का बहुत ही ज्यादा डर है। डर ऐसा है कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई साहब इसमें से जो है पानी वानी गिर रहे हैं, तो ये कभी भी ऊपर से ढह सकता है। अब बताइए लाइफ का जो है बहुत ही बेहतरीन मोमेंट, ये मोमेंट हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। बस प्रभु की कृपा से, महादेव की कृपा से हम लोग जैसे आए हैं वैसे ही आराम से घर पर पहुँच जाए। और इधर का एक पानी हल्का हल्का जो है मेरे मुंह पे पड़ रहा है, और देखिए सामने पूरा ब्लर हो रखा है, पूरा ही ब्लर। मतलब जो आसमान देखते हैं ना हम लोग, उस आसमान के साथ खेलने वाला हूँ मैं कुछ देर में। यहाँ से तो धीरे धीरे सारा ब्लर होते जा रहा है, और बस हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं सारा चीज़। और जैसा जैसा जो होगा बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें मैं आप लोगों को जो है वीडियो में बताता रहूँगा। मैं सच कहूँ तो ये मेरे लिए एक सपना जैसा ही है। आज से 2 महीने पहले मैं बेटा में था और मेरी कोई चांस नहीं था यहाँ आने का, और अभी मैं देहरादून में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे घूम रहा हूँ। भाई साहब जिंदगी में कभी भी जादू हो सकता है, आप कभी निराश ना होइए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मम्मी मैं पहाड़ों में आ गया। हम लोग जो है सबसे ज्यादा ये सोच कर आए थे कि लैंडोर घूमेंगे, तो लैंडोर बस निकल रहे हैं हम लोग। मसूरी से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि हम लोग बस अब पहुंचने वाले हैं, और लैंडोर में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अभी मैं आपको पहुंच के वहां एक और चीज दिखा के ब्लॉग खत्म करूँ, लैंडोर का जो है पूरा टूर दूंगा कि हाँ भाई साहब यहाँ वहाँ पे और क्या क्या है। अभी यहाँ से आप व्यू चेक करो भाई साहब, व्यू व्यू व्यू। आप एक बार इधर के रास्ते देखो, कितने कितने सकड़ी और कितने पतले हैं भाई साहब, और अच्छे से बने भी नहीं है। पहाड़ों पे रास्ते हैं वही बड़ी बात है, और इसमें हम लोग जो हैं चल रहे हैं, कम से कम 4-5 किलोमीटर हमें ऐसे ही रास्तों पे चलना पड़ेगा। हमारे बहुत ही हैवी ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहे हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और हम लोग अच्छे अच्छे से पहुँचे। जिन्हें भी चलानी नहीं आती वो सारे जो है पीछे बैठे हैं। यहाँ से फिर हो गया कन्फ्यूज़न क्रिएट कि भाई साहब लैंडोर के लिए कौन सा रूट लिया जाए। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, एक रूट नीचे जा रही है और एक ऊपर, तो ऊपर वाला पकड़ते हैं दोस्तों, और बस चलते हैं आगे। तो ये है हमारा बेसिकली पहला स्टॉपेज जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, और यहाँ देखिए भाई साहब बादल जो है हमारे सामने से गुजर रहा है, यूँ कहें कि हमें छू छू के पार हो रहा है, ऐसा सीन है। और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है ये, देखिए आप लोग, बहुत सेक्सी लग रहा है व्यू यहाँ से। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ फ़ोटो खिंचवाएंगे, बाकी हम पूछते हैं उन लोगों से जो अभी तक यहाँ पहले नहीं आए थे हमारे। ये तो आ चुके हैं अब उदय तिवारी, हाय कर दो भाई। अरे उसमें नहीं करना, इसमें करना है। तू बताओ लैंडोर आया था पहले? नहीं भाई, मसूरी तक आया। तो ये मसूरी से आगे का है कि पीछे? मसूरी से 5 किलोमीटर। अच्छा, तो हम लोग आगे थे। अब पूछते हैं हर्षित से, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, थोड़ा जोर से बोलो। पहली बार का एक्सपीरियंस बहुत सही है। पहली बार का? पहली बार का तो एक्सपीरियंस सही रहता है। अरे आपको कैसा लग रहा है भाई? सेक्सी? वो मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा, वो थोड़ा व्यू के बारे में पूछ रहा हूँ, व्यू कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन। चलो विनीत तुमको कैसा लग रहा है भाई? तुम बताओ। सही भाई, आज तुम मुर्गा खाता कि ये घूमते आता, बताओ अब तुम। ना ना बोलो बोलो, नो पर्सनल कमेंट्स। तू बताओ सचिन कैसा लग रहा है? बढ़िया। आओ कुछ आओ कुछ बोलना ही नहीं है, बोलना नहीं। और अब जो है हम लोग उज्ज्वल से पूछते हैं, उज्ज्वल हमारे फोटोग्राफर, जो कि हम लोग कैमरा वैमरा सारा लेकर आए हैं,
फोटो वोटो खिंचा रहा है अपने बउआ का। अच्छा उज्जवल फोटो की क्लोजअप ले रहा है, थोड़ा फोटो वोटो खींच के तनी हमरो व्लॉग में आ जा। बताओ कैसा कैसा लग रहा है व्यू? लग रहा है ब्रो बढ़िया। यस ब्रो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पहली बार का बहुत मजेदार है भाई, एकदम बहुत बेहतरीन नजारा है भाई साहब। बाकी हम लोग यहाँ से लैंड और चलते हैं और वहाँ का दूसरा ब्लॉग रहेगा, ये जो है सिर्फ रास्ते का रहेगा कि हम लोग कैसे गए कैसे नहीं गए और क्या क्या हमें पसंद आ रहा है। भाई साहब मैं आपको बता दूँ तो हम लोग बिहार से आए हुए हैं जहाँ पहाड़ है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, पहाड़ तो ऐसे है वहाँ पे, लेकिन हम लोग उधर उतना गए नहीं थे और यहाँ पे आके घूम रहे हैं तो बादल वादल देख के बहुत अलग फील आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आप लोगों से। हमारा भी हो रहा है। हम लोग अब बढ़ रहे हैं लैंड और की ओर, तो होप कि आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा और आगे वाले पार्ट में जो है पूरा दूसरा ब्लॉग दिखेगा जिसमें मैं लैंड और का टूर आप लोगों को दूंगा। तो चलिए मैं पहुंचता हूं और आप लोग इंतजार कीजिए पार्ट टू।